हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसे अशोका मित्रन ने लिखा था, जिनका बर्थ 1931 में हुआ था, जन्म 1931 में हुआ था। तो भाई, इस वीडियो को आप लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ही वॉज ए तमिल राइटर, वो एक तमिल राइटर थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माई बीयर्स विद बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो उनकी एक बुक है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। उसमें वो जेमिनी स्टूडियो में अपने बिताए हुए समय के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरह का उनका समय रहा था अपने बॉस के साथ में। और इस किताब में वो बात करते हैं कि किस तरह से भारत में जीवन के हर एस्पेक्ट में मूवीज का इन्फ्लुएंस रहा है, मूवीज का प्रभाव रहा है। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, जेमिनी स्टूडियोज जो है चेन्नई में लोकेटेड था, वॉज सेटअप इन 1940, उसको स्थापित किया गया था 1940 में। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो इंडिया के जो इंडियन फिल्म मेकिंग के जो शुरुआत के दिन थे, उसमें ये सबसे इन्फ्लुएंशियल यानी सबसे प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है। इट्स फाउंडर वॉज एस एस वासन, इसके जो फाउंडर यानी इसको जो स्थापित किया था उस व्यक्ति का नाम था एस एस वासन। The duty of Ashok Mitran in Jamini Studios was to cut out newspaper clippings. तो अशोक मित्रन जो इस पर्टिकुलर लेसन के नैरेटर भी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? उनकी जिम्मेदारी थी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काटना। उन्हें वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स, अलग अलग प्रकार के विषयों पर जो समाज से संबंधित होते थे उनके ऊपर अलग अलग वैरायटी के क्लिपिंग्स काटा करते थे और उनको फाइलिंग किया करते थे। Many of these had to be written out by hand, और उनमें से कई चीजों को तो हाथ से लिखना भी पड़ता था। Although he performed an insignificant function, हालांकि वो जो काम करते थे वो बहुत insignificant था। Insignificant का मतलब होता है unimportant, ज्यादा important नहीं था। Yet he was the most well informed of all the members of the Jamini family. लेकिन फिर भी जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग थे उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी को जेमिनी स्टूडियो की जानकारी थी तो उन्हीं को थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो उन्होंने जो एक बुक लिखी है माई ईयर्स विद बॉस, उसमें से ये एक छोटा सा हिस्सा कॉट किया गया है आपकी रीडिंग के लिए, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। तो शुरुआत करते हैं, उससे पहले टाइटल की बात कर लेते हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इस पूरी स्टोरी के सेंटर में रहेगा जेमिनी स्टूडियो, और इसमें जिस पैनकेक की बात की जा रही है, दरअसल वो एक कॉस्मेटिक मटेरियल है जो हीरो या हीरोइंस अपने फेस पर अप्लाई करते थे मूवीज करने से पहले। और पोएट्स इसलिए इसमें यूज किया गया क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले बहुत सारे लोग लिटरेचर बैकग्राउंड से थे, पोएट्स भी थे, और यहाँ कई पोएट्स का जिक्र भी हुआ है, जिसमें से एक पोएट का नाम स्टीफन स्पेंडर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पर्टिकुलर लेसन के लिए। तो इसीलिए इस लेसन का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत ही इसकी किससे हो रही है? पैनकेक के इंट्रोडक्शन से। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बोट इन ट्रकलोड्स। पैनकेक जो है ब्रांड नेम था एक मेकअप मटेरियल का जो जेमिनी स्टूडियोज ट्रक भर भर के खरीदता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड दिस। ग्रेटा गार्बो ने भी इसको यूज किया होगा। ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी और मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर ने भी इसे यूज किया होगा। वैजयंती माला ने तो बिल्कुल इसे यूज किया गया होगा, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। रति अग्निहोत्री ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो जब ये लेसन लिखा गया होगा उस समय रति अग्निहोत्री जो है नई नई हीरोइन के रूप में उभर रही होंगी, और ये जब सब जो पुरानी हीरोइंस के नाम लिए गए हैं तो ये अधिकतर मात्रा में यूज करती थी इस पैनकेक को। लेकिन रति अग्निहोत्री चूंकि नई हीरोइन थी उसने नहीं यूज किया होगा, इसलिए उसका ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। ये जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये एक बिल्डिंग की ऊपरी सतह पर था। दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, जो कि कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल यानी घुड़साल हुआ करती थी। रॉबर्ट क्लाइव जो है एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण सेनापति था और उसके बहुत सारे रेजिडेंस है वहां पर, उन्हीं की बात की जा रही है। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। ऐसा कहा जाता है कि दर्जनों ऐसी बिल्डिंग्स हैं सिटी के अंदर जो उसका रेसिडेंस यानी उसका निवास स्थान कही जाती हैं।
फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास. उसका जीवन भी छोटा ही था और मद्रास के अंदर भी उसका जो स्टे था वो बहुत कम समय के लिए था. रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग. रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बहुत सारी मूविंग की है. बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, उसने कुछ इम्पॉसिबल बैटल्स यानी युद्ध भी लड़े हैं इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में, इन मैरिंग ए मैडन, और फिर उसने एक लड़की से शादी की इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, और वहीं उसकी शादी भी हुई थी. तो ये स्मॉल इंट्रोडक्शन है कि जैमिनी स्टूडियो कहाँ स्थित है और जेमिनी स्टूडियो का ये जो लॉर्ड क्लाइव था इससे क्या रिश्ता था. अब वापस से हम जेमिनी स्टूडियो की तरफ रिटर्न होके आ रहे हैं. तो एक चीज इसमें नोटिस करने वाली बात है कि इसमें जो राइटर का जो टोन है वो अधिकतर जो है फुल ऑफ ह्यूमर है, यानी वो हर जगह किसी न किसी पर हास्य करता हुआ दिखाई देता है. तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो ह्यूमर क्रिएट करेंगी. द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सलोन विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर. तो मेकअप रूम जो उसके जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वो बिल्कुल हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था, जिसमें अलग अलग एंगल्स पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी. लगभग आधा दर्जन लाइटें लगी हुई थी. लार्ज मिरर्स, बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे. देवर ऑल इनकैंडेंसेंट लाइट. इनकैंडेंसेंट लाइट का मतलब होता है बहुत शार्प लाइट्स थी वो सारी की सारी. सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना उनको पीड़ा होती होगी जिनका मेकअप हुआ करता था. तो एक तो मेकअप की जो चिपचिपाहट और साथ ही साथ इतनी शार्प लाइट अगर आपके फेस पर पड़ रही तो कितना पसीना निकलता और उससे कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना. तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर हिज स्टूडियो एंड लेफ्ट. तो मेकअप डिपार्टमेंट को जो पहले हेड करता था यानी जो उसका लीडर था वो एक बंगाली था, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा बड़ा महसूस करने लग गया तो उसने स्टूडियो को छोड़ दिया. ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन. उसके बाद में मेकअप डिपार्टमेंट में आया एक महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई ए धारवार कर्नाडिगा एंड आंध्रा ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजल लोकल तमिल्स. तो ये जो महाराष्ट्रियन आया था उसको उसके बहुत सारे हेल्पर्स थे. एक तो था धारवार कर्नाडिगा जो कि एक आंध्र प्रदेश से था, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी था वहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए असिस्टेंट के रूप में, एक एंग्लो बर्मीज भी था और यूजुअल लोकल तमिल्स भी वहां पर हुआ करते थे इस महाराष्ट्रियन को सपोर्ट करने के लिए मेकअप डिपार्टमेंट. ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. तो राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि मतलब वहाँ उस जेमिनी स्टूडियो में तो पहले से ही नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग थी, यानी नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल था. नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता राष्ट्रीय एकीकरण, यानी देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग लोग आया हुआ करते थे और सब एक जगह ही मिलकर काम किया करते थे. इससे पहले कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने इसके बारे में बात करना शुरू किया उससे पहले ही वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन मेंटेन हो चुका था. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. ये जो gang, ये makeup men की जो integrated national integration वाले जो लोग हैं, इनको gang के रूप में संबोधित किया गया कि ये gang जो है किसी भी decent-looking person को भी खतरनाक look दे सकती थी. Hideous means खतरनाक, crimson means dark red color. Huge means complexion, monster means राक्षस बना देती थी इनके पास में जो पैनकेक हुआ करते थे उनके सहायता. तो ये यहाँ पर ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है. एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस. और इस काम में वो कई प्रकार के पोशंस और लोशंस का भी इस्तेमाल करते थे जो लोकली बनाए हुए थे. दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग. तो उन दिनों जो शूटिंग हुआ करती थी वो इंडोर ही हुआ करती थी. एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स. और केवल 5% ही फिल्म जो थी वो आउटडोर शूट हुआ करती थी. आजकल उल्टा है, फिल्म ज्यादा बाहर शूट होती है, अंदर कम शूट होती है. आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी. तो राइटर का यहाँ कहना है कि शायद ये लोगों को इतना बुरा कलर वलर करके, इतना जो है ये पैनकेक लगा के इतना बुरा इसलिए बनाते थे ताकि वो फिल्म में प्रेजेंटेबल लगे, उनको देख के लोगों को विश्वास हो सके यहाँ फिल्म के ये रियल कैरेक्टर है. A strict hierarchy was maintained in the makeup department.
और मेकअप करते समय एक स्ट्रिक्ट हायरकी, हायरकी का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी पद के अकॉर्डिंग, यानी जो बड़ा हीरो है, जो बड़ा मेकअप मैन है, वो बड़े हीरो की ही मेकअप करेगा, इस तरह से। तो पूरा वो हायरकी मेंटेन रखी जाती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। चीफ मेकअप मैन जो था उसका काम था चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेस को भद्दा दिखाना। तो अब ये यहाँ पर ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है द नरेटर। उनका कहना है कि वो ब्यूटीफुल नहीं बनाते थे बल्कि लोगों को, बल्कि अगली दिखाते थे, उनको भद्दा बनाते थे। इस सीनियर असिस्टेंट जो उसका सीनियर असिस्टेंट हुआ करता था चीफ मेकअप मैन का, वो सेकेंड हीरो और हीरोइन को पकड़ता था और उनको पोत पात के उनको भद्दा दिखाता था। जूनियर असिस्टेंट, मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। इस तरह से ये हायरकी चलती रहती थी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और फिल्म में जो क्राउड का रोल प्ले करते थे वो उनको पोतने की जिम्मेदारी या उनको उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी जो हुआ करती थी वो ऑफिस बॉय की हुआ करती थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यहाँ तक कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था जेमिनी स्टूडियो का, उसके पास में भी एक अपना ऑफिस बॉय था। तो यानी दूसरे और डिपार्टमेंट्स के पास में तो होंगे ही होंगे। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, यानी उन दिनों जब क्राउड शूटिंग हुआ करती थी, पूरी क्राउड को शूट करना होता था, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल। तो वो क्या करता था ऑफिस बॉय, अपने जो कलर करना होता था उसको एक बड़े से वेसल यानी बर्तन के अंदर लेकर जाता एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और क्राउड में जितने भी लोग होते हैं उन सब के मुंह पर बारी बारी से कलर करके आ जाते। स्लैपिंग का मतलब थप्पड़ की तरह मारना, थोड़ा सा लगा देना। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। इसके पीछे आइडिया ये था कि भाई फेस का जो हर सरफेस है, छोटी से छोटी जो सतह है, वहां तक भी मेकअप अप्लाई हो जाए। ही वाजंट एग्जैक्टली ए बॉय। आप सोच रहे होंगे कि वो ऑफिस बॉय था तो वो कोई बॉय होगा, वो बॉय नहीं था। ही वाज इन हिज अर्ली 40s, मींस वो अपनी एडल्ट एज में था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो, वो स्टूडियो में, इस जेमिनी स्टूडियो में आया था इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर। बनने आया था स्टार एक्टर या कोई टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या फिर लिरिक्स राइटर, लेकिन बन के रह गया ऑफिस बॉय। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोएट, वो थोड़ा बहुत पोइटिक था, यानी कविताएं वगैरह लिखता था। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, तो उन दिनों में एक छोटे से रूम में काम करता था। क्यूबिकल कहते हैं स्मॉल रूम। तो राइटर यहाँ पर जो अशोक मित्र ने अपने बारे में बता रहे हैं कि वो उन दिनों एक छोटे से रूम में काम करते थे। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, उसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडो थी। फ्रेंच विंडो एक प्रकार की विंडो होती है जिसमें आप डायरेक्ट बाहर भी जा सकते हैं, इसमें ग्रिल्स नहीं लगी होती हैं, डायरेक्ट जो है विंडो बाहर की तरफ खुलती है। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दैट दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, तो मुझे नहीं मालूम था कि उस समय कि इनको फ्रेंच विंडो कहते थे। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट नथिंग। तो मुझे मेरी डेस्क पर बैठे हुए पेपर्स फाड़ते हुए, न्यूज पेपर्स फाड़ते हुए, दिन रात लगे हुए, अधिकतर लोगों को ये लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। इट इज लाइकली, और ऐसा भी पॉसिबल है दैट द बॉस आल्सो थॉट लाइकवाइज टू, कि मेरा जो बॉस था SS वॉसन, वो भी वैसा ही सोचता हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, इसलिए जिस किसी को भी लगता था कि मेरे पास में कोई खास काम नहीं है, वो मेरे क्यूबिकल में यानी मेरे स्मॉल रूम में आ जाया करता था एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मुझे एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण पिला के चला जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, तो ये जो मेकअप बॉय था, जो ऑफिस बॉय था जो मेकअप डिपार्टमेंट का, उसने डिसाइड किया था कि आई शुड बी एनलाइटन्ड, कि मुझे इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। एनलाइटन्ड का मतलब इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, कि किस प्रकार से इतना बड़ा लिटरेरी टैलेंट, यानी वो अपने खुद के बारे में बात कर रहा था कि इतना बड़ा लिटरेरी टैलेंट हूँ मैं, ये यहाँ पर बात हो रही ऑफिस बॉय की जो नरेटर के कमरे में आया करता था, और उसको बताने के लिए कि इतना बड़ा लिटरेरी टैलेंट यानी मैं बींग अलाउड टू गो वेस्ट, वेस्ट जा रहा है इन अ डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जो केवल बार्बर्स के लिए, या परवर्ट्स, परवर्ट्स कहते हैं यूजलेस पीपल, बेकार लोगों के लिए है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता था कि हे भगवान क्राउड शूटिंग हो, क्राउड शूटिंग होगी तो उसे जॉब मिल जाएगा, वो अपना काम करता रहेगा तो उसके क्यूबिकल में नहीं आएगा, तो उसको इतने सारे भजन, इतने सारे भाषण नहीं सुनने पड़ेंगे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। राइटर का कहना है कि अगर ये क्राउड शूटिंग नहीं होती तो
तो वो रोज मुझे आकर अपनी कहानियां सुनाया करता था और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डाइवर्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली। या नैरेटर कहते हैं कि अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं जिंदगी के अंदर या किसी चीज से बहुत नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप हमेशा अपना एंगर किसी एक सिंगल पर्सन की तरफ, किसी एक सिंगल आदमी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ओपनली मीन्स खुलेआम या कोवर्टली मीन्स या छुपते छुपाते। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का ये जो ऑफिस बॉय था, ये पूरी तरह से कन्विंस था कि ऑल हिज वॉज, कि उसके सारे दुख, इग्नोमिनी, उसकी बदनामी, निग्लेक्ट, उसकी उपेक्षा, ये सब एक ही आदमी के कारण थे जिसका नाम था कोथा मंगलम सुब्बू। कोथा मंगलम सुब्बू नाम था उसका। अब ये एक और कैरेक्टर है, सुब्बू वॉज द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू जो था वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर टू का प्लेयर था, यानी नंबर वन तो बॉस और बॉस के तुरंत बाद में उसका नाम आया करता था। He could not have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. उसकी इतनी encouraging opening नहीं रही थी films में जितनी हमारे इस makeup boy की रही थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. For when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. On the contrary means इसके opposite. उसे तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी, उस समय कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग स्टूडियोज नहीं थे। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, मेकअप बॉय की बात हो रही है। जो मेकअप बॉय था उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। यहाँ तक कि एजुकेशन के मामले में भी सुब्बू हमारे इस मेकअप बॉय से पीछे था। यानी मेकअप बॉय देखा जाए तो उस व्यक्ति से हर मामले में आगे था, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मिन, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मिन परिवार में पैदा हुआ था सुब्बू, अ वर्च्यू इंडीड, वर्च्यू मीन्स अ गुड क्वालिटी इंडीड, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। तो सुब्बू का जो अधिकतर जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे संपर्क रहा, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क रहा, प्रभावशाली स्थितियों से संपर्क रहा। He had the ability to look cheerful at all times. सुब्बू में एक एबिलिटी थी कि वो आपको हमेशा खुश दिखाई देगा, इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म। यहाँ तक कि अगर उसने कोई फ्लॉप फिल्म भी दी है तो भी आपको खुश नजर आएगा। He always had work for somebody. उसके पास में सबके लिए काम है। He could never do things on his own. वो कोई भी काम अपने आप नहीं करेगा, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद दिस प्रिंसिपल कम्प्लीटली। लेकिन जो वफादारी का उसका सेंस है वो उसको अपने बॉस के बिल्कुल समकक्ष खड़ा कर देता था, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। और वो समय आने पर अपनी पूरी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को अपने बॉस के एडवांटेज के लिए ट्रांसलेट करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, यानी वो पूरी तरह से फिल्मों के लिए ही बना था। तो कहने का मतलब है, सुब्बू जो था हमेशा खुश दिखाई देगा, चाहे किसी फ्लॉप फिल्म में भी उसका हाथ हो, हमेशा उसके पास में किसी न किसी के लिए काम होगा। वो खुद कुछ काम नहीं करेगा, दूसरों से काम कराएगा, लेकिन जब अपने बॉस के लिए कुछ करने की बारी आएगी तो वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी को अपने बॉस के लिए ट्रांसलेट कर देगा। पूरी तरह से फिल्मों के लिए बना था। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। तो ये एक ऐसा आदमी था जो हमेशा इंस्पायर हो सकता, जब उसे कमांड किया जाए या जब उसे कहा जाए तो वो पूरी तरह से इंस्पायर हो सकता था। द रेट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर, बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड ट्रेंड्स देम लविंगली। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर सुब्बू को एक सिचुएशन बता रहे हैं कि रेट जो है टाइग्रेस से पानी के नीचे लड़ाई करता है, उसे मार डालता है, फिर उसके बाद में उस पर दया दिखाता है, उसके कब्स पर, यानी उसके बच्चों पर, और उन्हें प्यार से दुलारता है। मुझे नहीं मालूम कि इस सीन को कैसे किया जाए, ये प्रोड्यूसर कहता है सुब्बू से। एंड सुब्बू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ द रेट पावरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफिसर। फिर सुब्बू उसको चार अलग अलग तरीके बताएगा कि किस तरह चूहा अपने जो विक्टिम यानी टाइग्रेस के जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग का मतलब टाइगर की जो संतानें हैं, उस पर कैसे अफेक्शन शो कर सकता है। वो चार अलग अलग प्रकार के तरीके बताएगा। Good, but I am not sure it is effective enough. अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इफेक्टिव है, प्रोड्यूसर कहेगा।
और इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और एक ही मिनट में सुब्बू के पास में 14 अलग अलग आइडियाज होंगे कि किस तरह से इस सीन को वापस कर सकते हैं। तो इस तरह से सुब्बू बहुत ही क्रिएटिव था और उसके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव थे। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद ए मैन लाइक सुब्बू अराउंड। तो फिल्म मेकिंग ऐसे पर्सन सुब्बू का, अगर आपके पास में सुब्बू का साथ है तो आपके लिए फिल्म मेकिंग बहुत ईजी बन जाती है। एंड इफ एवर देयर वॉज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इट वॉज सुब्बू। तो जेमिनी स्टूडियो को अगर इसके सुनहरे काल में किसी ने अच्छे डायरेक्शन और डेफिनेशन दी है तो वो एक ही आदमी था, उसका नाम था सुब्बू। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट। सुब्बू की एक अपनी एक और आइडेंटिटी थी, उसको लोग और एक तरीके से पहचानते थे। इन फिल्म में काम करने के अलावा उसकी एक अपनी आइडेंटिटी थी कि वो एक पोएट भी था। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और यहाँ नरेटर कहते हैं कि वो कुछ बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल चीजों के बारे में भी सोच सकता था, उसके बारे में भी लिख सकता था। ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। लेकिन डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर उसने अपना पोएट्री का जो थीम चुना वो केवल पीपल थे, लोग ही थे। यानी वो उससे बड़ी जो कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स हैं, फिलोसॉफिकल चीजें हैं, उनके बारे में कविताएं लिख सकता था, लेकिन उसने जनरल चीजों के बारे में लिखना शुरू किया। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. तो फिल्मों में जो उसे सफलता मिली उसके कारण जो उसकी लिटरेरी अचीवमेंट थी वो बोनी साबित हो गई, यानी वो तो ढक गई और उसकी जो फिल्म की सफलता है वो सामने आ गई। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, कम से कम उसके जो क्रिटिक्स हैं उनको तो यही लगता है। क्रिटिक्स मतलब जो समालोचना करते हैं, यानी अच्छा बुरा बताते हैं किसी के बारे में। He composed several truly original story poems in folk refrain. उसने बहुत सारी कई ट्रूली यानी सही मायने में ओरिजिनल वास्तविक स्टोरी पोएम्स लिखी इन फोक रिफ्रेन। फोक रिफ्रेन, फोक कहते हैं ट्रेडिशनल को, रिफ्रेन कहते हैं रेपिटेशन में, और डिक्शन मींस प्रोनंसिएशन स्टाइल में लिखी है। एंड आल्सो रोट ए स्प्राउलिंग नॉवल, और एक बहुत ही लंबा नॉवल भी लिखा है जिसका नाम है थिलाना मोहनम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एच्ड कैरेक्टर्स, जिसमें उसने बहुत ही दर्जनों जो है कैरेक्टर्स डिजाइन किए हैं जो बहुत ही स्किलफुली डिजाइन किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि वो ही इज अ मैन फुल ऑफ लिटरेरी टैलेंट, यानी वो लिटरेरी टैलेंट से भरा हुआ आदमी। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। उसने एक फिल्म बनाई, उसमें अर्ली 20th सेंचुरी में जो देवदासीज हुआ करती थी उनका मूड और मैनर उसने अपनी फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत अमेजिंग एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, और कभी भी उसने लीड रोल के बारे में नहीं सोचा। बट व्हाटएवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड, लेकिन जो भी उसे सब्सिडियरी रोल मींस जो भी हेल्पिंग रोल उसे मिलता, साइड रोल उसे मिलता, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, किसी भी फिल्म में ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। तो वो किसी भी मेन प्लेयर से भी ज्यादा उसको अच्छे ढंग से करके दिखा था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस। उसके दिल में जो भी व्यक्ति उसे मिलता उसके लिए एक जेन्युइन लव होता, एक वास्तविक प्यार होता। एंड हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेसिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, और उसके घर में, घर जो है उसका परमानेंट रेसिडेंस था, परमानेंट रेसिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर, पास वाले, दूर वाले रिलेटिव्स उसके, और एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान वाले लोग उसके घर में हमेशा पड़े रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. Yani ye Subbu ka nature itna innocent tha ki wo soch bhi nahi sakta tha aisa ki uske dimag mein bhi ye baat nahi aati thi ki wo itne sare logon ko khana khila raha hai ya support kar raha hai, kabhi uske dimag mein ye baat nahi aati. Such a charitable, itna wo charitable yani daan data ya apvyayi aap use keh sakte hain, khoob paisa kharch karne wala aadmi tha. And yet he had enemies. तो नरेटर को यहाँ पर बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने अच्छे आदमी के भी दुश्मन हो सकते थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या इसका ये कारण था कि वो बॉस के बहुत क्लोज और बॉस से बहुत उसकी घनिष्ठता थी? और वॉज इट ए जनरल डीमीनर, डीमीनर कहते हैं बिहेवियर, या फिर उसका ये जनरल बिहेवियर ही यह था दैट रिसेंबल्ड अ सिकोफेंट्स। सिकोफेंट एक ऐसा आदमी होता है जो अपने से जो बड़े
पोस्ट वाले लोग होते हैं उनकी बहुत चापलूसी करता है। तो क्या वो बिल्कुल चापलूसी लगता था इसलिए लोग उससे नफरत करते थे? और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर लोग उससे उसके दुश्मन इसलिए थे क्योंकि वो हर चीज के बारे में नाइस ही नाइस बोलता था? इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सपोर्ट। कुछ भी हो, एक आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट में जो सुब्बू के लिए हमेशा खतरनाक चीजें सोचा करता था। डायरेस्ट मीन्स खतरनाक चीजें। और ये जो व्यक्ति था ये था मेकअप बॉय, ऑफिस बॉय। यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। आप नॉर्मल दिनों में सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देखेंगे। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन जब अटेंडेंस हुआ करती थी, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। तो उसे एक स्टोरी डिपार्टमेंट में बैठना पड़ता था, वहां ग्रुप होना पड़ता था। उस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन थे? एक लॉयर था, कंप्राइजिंग ए लॉयर, और एक असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और राइटर्स एंड पोएट्स भी उसमें थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। जो ये लॉयर था इसको लीगल एडवाइजर के रूप में भी जानते थे। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट। लेकिन सब लोग उसे अपोजिट ही मानते थे क्योंकि वो लीगल एडवाइस कभी नहीं दिया करता था, इलीगल एडवाइस दिया करता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस। यहाँ पर हमें राइटर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि किस तरह से उसने एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर खत्म कर दिया। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो बहुत टेम्परामेंटल भी थी, यानी उसको जल्दी से गुस्सा भी नहीं आया करता था। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार सेट पर भड़क गई। वेल एवरी वन स्टूड स्टंड, सब लोग स्टन रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। द लायर क्विकली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। तो ये जो वकील था इसने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो चालू कर दिया, टेप रिकॉर्डर। एंड वेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, और जब इस एक्ट्रेस ने थोड़ा थोड़ी रुकी, द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने पूरी रिकॉर्डिंग वापस बजा दी। देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। तो ये जो एक्ट्रेस का जो गुस्सा था, टायरेड कहते हैं डांट फटकार या गुस्सा, इसमें कुछ भी फाउल नहीं था, कुछ भी मतलब गलत नहीं था, या कुछ भी षड्यंत्र नहीं था, या कुछ भी जो है कोई क्राइम नहीं था। लेकिन फिर भी व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपनी खुद की आवाज उस साउंड इक्विपमेंट में सुनी, शी वॉज स्ट्रक डम, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक लड़की जो गांव से आई थी, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, जिसे अभी दुनिया के पूरे एक्सपीरियंस हुए भी नहीं थे, दैट जनरली प्रिसीड ए पोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सफिस्टिकेशन, दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू, कि उसे दुनिया के सारे अभी एक्सपीरियंस हुए भी नहीं थे कि जो इम्पोर्टेंस और सफिस्टिकेशन की पोजीशन जब होती है तो उस प्रकार उसमें इस प्रकार की चीजें पहले चलती हैं, तो वो उन चीजों को रियलाइज भी नहीं कर पाई। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर। तो उसके मन में जो डर बैठ गया, उस टेरर से वो कभी भी उबर नहीं पाई। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। और इस तरह से उसके छोटे लेकिन ब्रिलियंट एक्टिंग करियर का खात्मा हो गया। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। तो ये जो लीगल एडवाइजर था, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर भी था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। तो ये उसके करियर के सैड एंड को लेकर आया था, यानी उसके करियर का सत्यानाश करने का श्रेय इसी लीगल एडवाइजर को जाता है। व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वॉर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे वो सब एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी धोती विद स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजिली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, खादी धोती और थोड़ा सा साइज में बड़ी और बुरी तरह से बनी हुई खादी शर्ट पहना करते थे। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड ए टाई। लेकिन ये लीगल एडवाइजर जो था, ये पैंट पहनता था, टाई पहनता था, और कभी कभी तो कोट भी पहनता था। दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो कि बिल्कुल किसी गवर्नमेंट ऑफिस के जैसे कोट जैसा लगता था, यानी अच्छा नहीं लगता था कुल मिलाकर। ऑफन ही लुक्ड अलोन, अक्सर वो अकेला ही दिखाई देता था, एंड हेल्पलेस, और बिल्कुल असहाय। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। जहां इतने सारे लोग थे,
जो ड्रीमर्स थे, ड्रीमर्स मीन्स पोएट्स वगैरह जो थे, इनके पास में इतने बड़े बड़े लॉजिक हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल कोल्ड लॉजिक का आदमी था, अ न्यूट्रल मैन, एक बिल्कुल उदासीन आदमी, इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटीज, उस प्रकार के लोगों के बीच में जो गांधी फिलोसॉफी में और खादी फिलोसॉफी में विश्वास करते थे. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, जैसे कई लोग बॉस के क्लोज थे, तो ही ऑल्सो वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, उसे भी एक फिल्म बनाने के लिए अलाउ किया गया. एंड दाउ ए लॉट ऑफ रा स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज ऑन इट, हालांकि बहुत सारा रा स्टॉक और पैनकेक फिल्म के बनाने में यूज किया गया, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन फिल्म में से कुछ निकल कर नहीं आया. देन वन डे, फिर एक दिन द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और पूरे हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में केवल एकमात्र यही एग्जाम्पल था वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहां एक लॉयर की नौकरी चली गई बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए कह दिया गया. पोएट्स को घर जाने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी ये फिल्म नहीं चली, इस कारण उनको घर जाना पड़ा, और उनके कारण लॉयर को भी घर जाना पड़ा, लीगल एडवाइजर को भी घर जाना पड़ा, उसको भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी. तो इसी के साथ में हमारा पार्ट वन जो है इस लेसन का खत्म होता है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कृपया इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग. पार्ट सेकेंड जल्दी ही अवेलेबल.